जब जिसको जो जो मिलना है सो मिलेगा। आज सांस ले रहे हो, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए। समय ऐसे बीता जा रहा है, इसके भीतर वो आत्मविश्वास है कि सब ठीक होगा ही, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं जीवन क्षणिक है। जागो। माया क्या है? जो शाश्वत नहीं है, जो हमेशा नहीं होता है, छोटी छोटी बातें हैं। एक विशाल दृष्टिकोण से देखो तो जिसका कोई माने ही नहीं होता, उन्हीं चीजों को माया बोलते हैं। अरे तुमने हमको मिलने नहीं आया, तुम हमसे बात नहीं की, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर, ये सब माया है। जब जिसको जो जो मिलना है सो मिलेगा। और तुम ऐसा आजकल तुम्हारा भसा हो गया, वैसा हो गया, छोटी छोटी बातों को लेके रोना धोना, अपने आप को परेशान करना, दूसरों को परेशान करना, ये सब माया है। जागो, देखो जीवन नश्वर है। आज सांस ले रहे हो, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए। प्रसन्न रहना और शाश्वत की ओर अपना आंख उठा के रखना, मस्त रहना, ये बातों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। फूंको थोड़ा सा अंगारे को, फिर चिंगारे उठने लगते हैं। ऐसे हमारे भीतर, सबके भीतर प्रेम है, विश्वास है, आनंद है, मगर तनाव से वो ढक गया है, छोटे मन से वो सब ढक गया है। थोड़ा सा जाके देखे जीवन कितना क्षणिक है। देखते देखते 40-50 चला गया। समय ऐसे बीता जा रहा है, समय का भार बहुत तेजी से चल रही है, हम उसमें बह जा रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं जीवन क्षणिक है। अभी थोड़े समय के इस जीवन को हम कैसे संभालें, कैसे जिए, यही जीवन जीने की कला है। जीवन में चुनौतियां बहुत आते हैं, समस्याएं आती है, सुख भी है, दुख भी है। इन सभी परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे चलाना, आगे ले जाना, डगमगाना नहीं, डोल पीट के आगे बढ़ना है, ये कैसे करें, यही ज्ञान है, यही जीवन जीने की कला है। देखो देखते देखते 40-50 साल, 60-70 साल ऐसे गुजर गया, और 10-15-20 साल के बाद सब राख हो जाते हैं। शिव जी के मंदिर में जाते तो भस्म देते हैं, भस्म लगाते हैं ना हाथों में, माथे में, पता है क्यों लगाते हैं भस्म? हमें याद दिलाने के लिए। ये चमड़े जो है कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही सालों के बाद ये ऐसे भस्म हो जाने वाला है भाई, इसका याद दिलाने के लिए भस्म लगाते हैं। शंकर भगवान भी भस्म से रमे हुए होते हैं। जब हमको ये समझ में आ गया जीवन क्षणिक है, तो दुख नहीं होता, उदासी नहीं होती है, खुशी उमड़ती है। जीवन को हम खेल के रूप में देखते हैं। यदि दुनिया में एक देश है, एक संस्कृति है जिन्होंने कहा जीवन एक खेल है, वो भारत देश है। बाकी सब देश ने जीवन को संघर्ष माना है, तो हमने जीवन को लीला मानी, आनंद माना है। तो भारतीय के हर एक के चेहरे में वो आनंद झलकना चाहिए, खुशी झलकना चाहिए। अरे सब कुछ ठीक होता हुआ कोई मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है उसमें, मगर जब चीजें बिगड़ने लगती है तब भी कोई मुस्कुराता है, तब मैं मानता हूँ ये भारतीय है। क्यों? इसके भीतर वो आत्मविश्वास है कि सब ठीक होगा ही, क्यों हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं, प्रभु मेरे हैं, हम प्रभु के हैं।